हेलो फ्रेंड्स, आज हम पापड़ मेथी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो हम जैनों में जब बड़े तिथि पर्व आते हैं तब हरी सब्जियों का त्याग करते हैं, तब पापड़ मेथी, बड़ी, ढोकली, इस तरह की सब्जियां बनाई जाती है। यह हमारा पर्युषण चल रहा है, इसमें मैंने पापड़ मेथी की सब्जी बनाई है जो खाने के लिए बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। आइए हम इसे बनाते हैं। यह मैंने एकदम जो 4 कटोरी आती है माप की, उससे सबसे छोटी कटोरी में यह मैंने आधा कटोरी मेथी दाने ले लिए हैं। इसे यदि स्पून से मापा जाए तो यह 4 टेबल स्पून जितना होता है। यह 4 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। इसे हम अच्छे से 2-3 पानी में धो के 4 सीटी में इसे बॉईल कर लेंगे छोटे कुकर में। इसे हमने 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम जो कटोरी ली है, छोटी कटोरी सबसे, उससे हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे। और सिर्फ इसे 4 सीटी में अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। कुकर में 4 सीटी हो गई है, हम इसे खोल लेंगे। यह ठंडा हो गया है और यह हमारे मेथी के दाने, इसे हम 3-4 पानी से अच्छा मसल के धो लेंगे। पहले हम ये पानी निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम सारा पानी निकाल लेंगे और इसे 2-3 बार मसल के धो लेंगे, जिससे इसका कड़वापन कम हो जाएगा। इसे 2-3 पानी से अच्छे से हाथ से मसल के धो लीजिए, जिससे इसके छिलके सब निकल जाएंगे और मेथी के दाने खाने के लिए एकदम अच्छे लगेंगे। हमने ये सारा पानी निकाल दिया। इस तरह हमने इसे 3 बार धो लिया। आपको यदि कड़वापन ज़्यादा पसंद है तो आप इसे 2 बार ही धोइए। देखिए यह कितनी फूल गई है। इस तरह हमारे यह मेथी के दाने एकदम अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसकी पापड़ के साथ सब्जी बनाने जा रहे हैं। यह जो पानी बचा है इसे आप पी सकते हैं, क्योंकि यह मेथी का पानी बहुत हेल्दी रहता है पीने के लिए, या इसका आप सूप भी बना सकते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें एक दाल का चम्मच जितना तेल डालेंगे। यह सिंगदाने का तेल है, इतना चम्मच भर के आप तेल डालिए। हम गैस चालू कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा अच्छे से तड़कने देंगे, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हमने जो मेथी बॉईल की है वो डाल देंगे। हम थोड़ा सा पानी डाल के सारी मेथी ले लेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक, पापड़ में भी नमक रहता है इसलिए आप देख के डालिए। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 लोना वाली कोकम और यह मैं मीडियम आकार के 3 टुकड़े गुड़ के डाल रही हूँ। इसे सबको अच्छे से बॉईल होने देंगे। नमक और मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। यह अच्छे से उबलने लगा है, हम इसे 10 मिनट तक उबलने देंगे। यह घर के बने हुए मैंने 5 पापड़ ले लिए हैं। यह 5 पापड़, यह मूंग और उड़द के मिक्स पापड़ है, 50-50%। हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, हाथ से ही आप कर लीजिए। आपको जितने बड़े टुकड़े घर में पसंद किए जाते हैं आप उतने बड़े ही काटिए, हमारे यहाँ थोड़े छोटे पसंद किए जाते हैं। यह सारे मूंग के पापड़ इस तरह से आप तोड़ लीजिए। यदि आपके पापड़ ज़्यादा बड़े हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ने यह 5 पापड़ के टुकड़े कर लिए हैं, इसे अलग अलग कर लेंगे। इस तरह 5 पापड़ के हमने हाथ से छोटे टुकड़े कर लिए हैं।
मेथी के पानी को उबलते हुए पूरे 10 मिनट हो गए। हम इसमें सारे पापड़ के टुकड़े डाल देंगे। इसे एक चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हम सब्जी को 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी बन गई है और पापड़ भी कितने स्मूथ हो गए हैं। इस तरह हमारा यह पापड़ मेथी का साग बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया। हमने एक कैसरोल ले लिया है। पापड़ मेथी का साग हम एक कैसरोल में निकाल लेते हैं। मैं गैस टर्न ऑफ कर रही हूँ। इसे हम एक कैसरोल में निकाल लेते हैं। हमने इसे एक कैसरोल में निकाल लिया है। इसे हम ढक के टेबल पे सर्व करने जा रहे हैं। इस तरह हमारी यह पापड़ मेथी की सब्जी तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।